What's up everyone, मेरा नाम कनिष्क है। मैं आज एक कमाल का लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए। कमाल इसलिए क्योंकि एसर का ये लैपटॉप एस्पायर वेरो, इसको कंपनी ने PCR प्लास्टिक यानी पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्लास्टिक हम यूज करके फेंक देते हैं, जो ओशन में चला जाता है, उससे एसर ने इसको बनाया। बहुत बेहतरीन मूव है ये, बहुत अच्छी मूव है। और एसर का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से जिस अमाउंट में प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है, 21% तक कार्बन एमिशंस को ये कम करेगा। क्लाइमेट चेंज एक रियल चीज है, हम इसको फील कर सकते हैं, आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। वैसे में ऐसे छोटे छोटे मूव्स जो कंपनीज लेगी वो कुछ ना कुछ एक छोटा ही डिफरेंस है पर बिल्कुल क्रिएट करेंगी। आज मैं आपको एसर एस्पायर वेरो का रिव्यू करके बताऊंगा कि आपको खुद के लिए लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी ये कंफ्यूजन रहता है कि आपके यूज और बजट के हिसाब से कौन सा बेस्ट लैपटॉप है, तो ये होना बिल्कुल ऑब्वियस है क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हैं मार्केट में। इसके लिए आप मुझसे और फोन कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके यूज और बजट को समझते हुए एक बेस्ट लैपटॉप सजेस्ट करूंगा। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट technologyandthings.in पे चले जाइए, वहां पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। और अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लैपटॉप पसंद आता है, आप पुणे में हो, तो फिर एसर मॉल पर ही कंप्यूटर्स हैं का सबसे बेस्ट स्टोर है, जहां पे आप जा सकते हो, आपको सबसे बेस्ट डील और डिस्काउंट्स और लैपटॉप की वैरायटी वहां पे मिल जाएगी। मैं उनका डिटेल्ड एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले एक यूनिक लैपटॉप है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहली नजर जो आपकी इस पे पड़ेगी तो आपको ये चीज समझ आएगा कि नॉर्मल जो लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, प्लास्टिक हो, एल्यूमिनियम हो, उन सबसे ये बिल्कुल अलग दिखता है। ये जो फिनिश है लैपटॉप के ऊपर मैट फिनिश और काफी डिफरेंट है, तो यूजुअली हमको आदत नहीं है ऐसे लैपटॉप देखने की, तो पहले थोड़ा सा अलग फील होता है। पर जैसे ही आप इसको करीब से देखते हैं तब आपको समझ आता है कि बहुत ही अच्छी फिनिश है। ये ग्रे टाइप के कलर पे हल्के हल्के येलो के डॉट्स आपको दिखेंगे। एसर ने इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से इसको रिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। एसर ने इस लैपटॉप के डिजाइन पे एक वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने इसके डिजाइन को सेलेक्ट किया, और बहुत ही ज्यादा यूनिक डिजाइन है। और एक के ही मतलब इस तरीके का कोई भी लैपटॉप मैंने पहले मार्केट में नहीं देखा है। जब मैंने इसको देखा तो एक सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि ये पूरी एक रिसाइकलेबल प्लास्टिक से बना हुआ लैपटॉप है, तो बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और वहां पे बहुत अच्छी बात है कि एसर ने पूरा ध्यान दिया है उस चीज का, कहीं भी आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्स फील नहीं होगा लैपटॉप पे। जो ऊपर का पैनल है, कीबोर्ड पैनल है, ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही स्टर्डी फील होता है। इवन जो बॉटम लिड है वो भी बहुत ज्यादा स्टर्डी फील होता है, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। जो छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स है लैपटॉप के, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है एसर ने, जैसे कि जो इंटेल कोर के स्टिकर्स आपको यूजुअली हर लैपटॉप पर देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पे नहीं मिलता है, इंटेल कोर प्लास्टिक पे ही इंग्रेव किया गया है। वैसे मतलब लेफ्ट साइड में इंटेल कोर इंग्रेव है, राइट साइड में आपको PCR की इंग्रेविंग मिलेगी, मतलब पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्लास्टिक। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ये लैपटॉप खरीदते हो अभी और एक ऑफर चल रहा है इस समय, जहाँ पे आप 1000 रुपीज देके अपनी वारंटी को 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, प्लस उसमें 1 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा, और एसर आपके घर पे एक प्लांट भेजेगी जो आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा मूव है। मतलब अगर आपको सीधा सीधा बताऊं तो इस लैपटॉप को बनाने के पीछे एसर के डिजाइनर्स ने, इंजीनियर्स ने, उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। डिजाइन एलिमेंट्स में भी जैसा कि मैंने बोला, एस्पायर वेरो की ब्रांडिंग मिलेगी आपको छोटी सी, रबर की जो पैडिंग है वो लाइम ग्रीन कलर की दी गई है पूरे ही लैपटॉप में, जो थोड़ा सा एक यूनिक फैक्टर और ऐड कर देता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से मैं बहुत सारा सैटिस्फाइड। नेक्स्ट कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करते हैं। कीबोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, कीज के बीच में डिस्टेंस कमाल है, बहुत क्लिकी कीज है। बैकलाइट है, बैकलाइट के अंदर अलग अलग लेवल्स नहीं है, एक सिंगल क्लिक से बैकलाइट ऑन और ऑफ हो जाती है, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा लेवल में चेंज करने का सेंस भी नहीं बनता है बाकी लैपटॉप्स में भी, तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नहीं लगा। पर कीबोर्ड को यूज करने का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आर और ई की जो है उनको एसर ने ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट किया है, ताकि जो इनका इस लैपटॉप बनाने के पीछे का आइडिया है रिसाइकल करना, वो और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया है, और उसको उल्टा लिखा है, पर जब आप टाइप करोगे तो सीधा ही टाइप होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रैकपैड काफी ज्यादा बड़ा है लैपटॉप के हिसाब से, ही अच्छा लगा मुझे और स्मूथ भी है। विंडोज प्रिसीजन ड्राइवर को सपोर्ट करता है, मल्टी जेस्चर्स को सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल ट्रैकपैड को भी यूज करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ट्रैकपैड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक फिंगरप्रिंट रीडर मिलता है ब्लैक कलर का, जो की काफी ज्यादा फास्ट काम करता है। ट्रैकपैड के दोनों साइड में जो पाम रेस्ट एरिया है, जहाँ पे आप अपने पाम को रेस्ट करके टाइप करते हो, वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ओवरऑल कीबोर्ड और ट्रैकपैड को यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस से पहले हम पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारे ही काम के पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, जहां से आप पावर डिलीवरी भी ले सकते हो, जिसको आप चार्जिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। यूएसबी टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं, एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है और एक ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है। अभी कुछ दिन पहले कोई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि लैपटॉप्स में ईथरनेट पोर्ट आने बंद हो गए, अगर कोई ऐसा लैपटॉप है जिसमें ईथरनेट पोर्ट आता है तो बताओ। इस प्राइस में उस समय मुझे कोई भी लैपटॉप नहीं पता था, पर अब जिस प्राइस में ये आ रहा है, ये शायद बहुत कम मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें ईथरनेट पोर्ट आता है, यहाँ पे कंपनी ने उसको दे दिया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिसाइकलेबल प्लास्टिक से बना है और बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर ये तभी काम आएगा या तभी कोई इस लैपटॉप को लेगा जब इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अपना प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा। स्पेक्स के साइड में आपको इंटेल कोर i5 11th जेन G7 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम मिलती है जिसको आप 12GB तक एक्सपैंड कर सकते हो। दो ड्यूअल चैनल रैम है, दो नहीं ड्यूअल चैनल रैम है, एक 4GB सोल्डेड है, एक 4GB को आप 12GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, प्लस 1TB की SSD नहीं है, प्लस 512GB की SSD मिलती है जिसको आप 1TB तक एक्सपैंड कर सकते हो, और Intel XD के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। ये तो स्पेक्स की बात थी। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ परफॉर्मेंस में आपको बताओ, तो यहाँ पे Core i5 एक जाना माना प्रोसेसर है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक डे टू डे लाइफ टास्क करने हैं आपको, नॉर्मल MS ऑफिस प्रेजेंटेशन बनाना है, वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज करना है, नॉर्मल एवरेज कंज्यूमर जो भी करता है उसको ये लैपटॉप बिल्कुल आराम से कर देगा। मल्टीपल क्रोम के टैब्स यूज करना है आपको, एक तरफ क्रोम यूज करना है, एक तरफ दूसरा कोई ब्राउजर यूज करना है, नाम सबके मैं नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ वर्क में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी हाई एंड वर्क करना है, जैसे कि आपको हाई एंड गेम्स खेलने हैं, 4K में वीडियो एडिटिंग करनी है, मल्टी लेयर, वो सब इस पे पॉसिबल नहीं होगा। पर इंटेल एक्सी ग्राफिक्स अच्छे ग्राफिक कार्ड है। अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है, कैजुअल गेमिंग जैसे GTA 5 वगैरह खेलना है, तो वो आप आराम से 30-40 FPS का आउटपुट इससे ले सकते हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बैलेंस्ड है। थर्मल्स की बात करूं तो आपको दो फैंस मिलते हैं, काफी बड़े बड़े फैन है, जब वो चलते हैं तो आवाज अच्छी खासी होती है। पर अच्छी बात यह है कि फैंस का काम कूल करना है, वो काफी अच्छे से करते हैं। बॉटम रेट में हल्की सी हीटिंग आपको फील होगी, बट जो फ्रंट पैनल है, कीबोर्ड वाला पैनल है, जहां पे आप ज्यादातर अपने हाथ को लेकर के यूज करोगे, वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो जो हीटिंग हो रही है वो बॉटम साइड में हो रही है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप टेबल बेस्ड लैपटॉप को यूज कर रहे हो। मैंने बहुत सारे बेंचमार्क्स रन करके देखे, मैं सारी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। SSD जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, लैपटॉप बूट हो जाता है 5-6 सेकंड्स में, और बूट होते ही ग्रीन कलर का एसर का लोगो आता है, उसके बाद अगेन वेरो आता है फॉर एन मोमेंट। ओवरऑल जो ब्रांडिंग भी की है एसर ने वो बहुत मिनिमल है, इधर लैपटॉप पे भी जो ब्रांडिंग की है एसर ने वो बहुत ज्यादा मिनिमल। नेक्स्ट डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे हमें 15.6 इंचेस का एक एंटी ग्लेयर 250 nits वाला पैनल मिलता है, एक IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, कलर रिप्रोडक्शन डिसेंट है, 45% NTSC को सपोर्ट करता है। अगर आपको नॉर्मल कॉन्टेंट कंजम्पशन करना है, मूवीज देखनी है, टीवी सीरीज देखनी है, सोशल मीडिया ब्राउजिंग करनी है, या फिर नॉर्मल ऑफिस का काम करना है, तो डिस्प्ले इन सब कामों के लिए बहुत अच्छा है और आपको कहीं भी कोई दिक्कत फील नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा, एक IPS पैनल होने का ये सब फायदे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग वाला टाइप का टास्क, मतलब अगर आपको फोटोशॉप पे कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, वीडियो एडिटिंग करते हो जिसपे आपको कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, तो ये सब तरीके के काम आप बहुत ज्यादा इस पर मत कीजिए, क्योंकि कलर एक्यूरेसी 72% के आसपास होता है, 45% NTSC जो है वो 72% sRGB के आसपास होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो प्रोफेशनल लेवल होते हैं, पर एक एवरेज कंज्यूमर जो हम लोग नॉर्मल मूवीज वगैरह देखते हैं उसमें एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होगा, ब्राइट है डिस्प्ले और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा। नेक्स्ट बैटरी की बात करते हैं। हमें एक 48 वाट आवर्स की 3 सेल की बैटरी मिलती है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको 7-8 घंटे का बैकअप मिलेगा, बट अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा कम नहीं मिलता है उसे, तकरीबन आपको 5 आवर्स 5-6 आवर्स
डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या काम कर रहे हो, कितने ब्राइटनेस पे आप यूज कर रहे हो, और इतना बैकअप अगर आपको मिल जा रहा है तो मेरे हिसाब से डिसेंट है। और एक 65 वाट्स का फास्ट चार्जर भी आपको कंपनी देती है, जिससे आप 1.5 आवर्स के आसपास लैपटॉप को फुल चार्ज कर सकते हो। तो ये अगर ऐसे सिचुएशंस में जहां आपको तुरंत चार्जिंग करके चाहिए तो ये डेफिनेटली काम की चीज है। कुछ और बोनस पॉइंट्स की बात करूं तो आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि कमाल साउंड करते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इस लैपटॉप में, क्योंकि साउंड कहीं से भी इस सबने ब्रांडिंग नहीं की है, मार्केटिंग नहीं की है, बट उन्होंने बहुत अच्छे स्पीकर्स ऐड किए हैं लैपटॉप में। और अगर आप एक क्वाइटेड मोमेंट में हो तो आपको गाने सुनने, मूवीज देखना, ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। वेबकैम के बारे में क्या बोलूं यार, क्या करूं कि लैपटॉप में थोड़े अच्छे वेबकैम आए, पता नहीं। वेब कैमरा आप समझ रहे हो कैसा है। Amazon से आपको इसमें प्री लोडेड मिलता है लैपटॉप के साथ, विंडोज 11 के साथ ही लैपटॉप आता है। ओवरऑल अगर आपको मैं एक पैकेज ग्रुप में बताऊं तो एक बहुत अच्छी डील है। जिस तरीके का डिजाइन है, एक यूनिक डिजाइन है, एक यूनिक दिखने वाला लैपटॉप है। आप जहां भी उसको लेके जाओगे तो डेफिनेटली एक बार आपसे पूछेंगे कि कौन से ब्रांड का लैपटॉप है, और तब आप बता सकते हो कि क्या यूनिक फैक्टर है इस लैपटॉप का। बहुत अच्छा काम किया है एसर ने। लैपटॉप की प्राइस कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम साइड पर नहीं है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए। इसके बावजूद एसर ने जितना एफर्ट लगाया है इसको बनाने के लिए, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अगर एसर से कोई भी इस वीडियो को देखता है। अगर आपको लैपटॉप पसंद आता है, आपको लेना है, एसर नॉन परी कंप्यूटर्स की सारी डिटेल्स पुणे में 3-4 जगह के स्टोर से मैं दे दूंगा। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब प्लीज करके जाइए वीडियो को। अगर आपको कंफ्यूजन है फिर आप उनसे और फोन पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या कौन सा बेस्ट लैपटॉप है। फिलहाल तो जाना पड़ेगा मुझे, मिलता हूँ अगली वीडियो।